अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? भाई मैं कुछ कुछ ठीक हूँ, कुछ कुछ नहीं ठीक हूँ। मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब थी, लेकिन आज सुबह ऐसा हुआ, 9 बजे सो के उठी ना, शदीद मेरे मैदे में पेन थी, इतनी ज़्यादा पेन थी कि मुझे इमरजेंसी यहाँ पे ना क्लिनिक में आना पड़ा। यहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद जब मैं मेडिकल स्टोर में आई हूँ ना बेटी के साथ अपना मेडिसिन लेने, जो उसने 3 दिन की लेके दी थी, तो यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त ना बारिश स्टार्ट हो गई, तूफान आ गया, तो ओले गिरने लगे थे, इतने मोटे मोटे ओले ओले गिर रहे थे। बच्ची कह रही है अम्मी पत्थर गिर रहे हैं, ये ओले गिर रहे हैं। मैंने कहा बेटा ये ओले ही हैं, और ये सर में अगर लग जाए ना तो सर में चोट भी बड़ी ज़बरदस्त आती है। मैंने उसे कहा जो मोबाइल है ना उसे स्टिल रखो, हिला रही हो बहुत ज़्यादा, वीडियो अच्छी नहीं बन रही है, आवाम क्या देखेगी, आवाम के तो सर भी चकराने लगेंगे। ये चेक करें ओला, एक मैंने उठाया, फिर जब वापसी जब थोड़ी सी बारिश रुकी, ओले रुके, तो फिर हम लोग अपने घर की तरफ वापस आए। तो ये काफ़ी देर दूर तक ना ये जो मौसम है ना था ऐसा बारिश वाला, ओले गिरने वाला, हमारे एरिया में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि हाफ जब मैंने अपने घर का सफ़र तय कर लिया ना अपने घर पहुंचने के लिए, तो फिर ऐसा कोई सीन नहीं था, बल्कि हल्का सा छटा पड़ा था। घर आई तो ये मेडिसिन है मैंने खानी थी, सारी की सारी मेडिसिन। बच्ची ने चाय बना दी थी, रस मैंने खाए, केले खाए, बस यही इन्हीं चीज़ों पे आज के दिन मैं ज़िंदा रहूँगी। उसके बाद कल मैं अपने लिए कुछ हल्का फुल्का सा बनाऊँगी, जैसे कि चावल वगैरह होते हैं ना, कुछ हल्का फुल्का सा बनाऊँगी। तो ये सारी वो मेडिसिन है। अच्छा, मुझे हल्का सा ना फीवर भी पेन की वजह से हो रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे क्या लिख दिया था, पेनाडोल भी लिख दी थी। ये कल की वीडियो जो आज मैं इसके साथ शेयर कर रही हूँ, या आज अपलोड करनी थी मैंने, फिर मैं चली गई सुबह सुबह, सीन ही कुछ ऐसा बन गया कि लाहौर में ओले पड़ गए, एक बार फिर बरस पड़े हैं, तो एक बार नहीं बल्कि पहली बार ही बरसे हैं। अच्छा, यहाँ पे मतलब 2-3 दिन से तो हल्का हल्का छटा पड़ ही रहा है ना, बारिश पड़ी, ओले तो नहीं पड़ रहे, लेकिन आज ओले भी बरस पड़े। तो यहाँ पे ऐसा सीन कुछ ऐसा है, कल भी बारिश थी तो गैस नहीं थी, कल मुझे 2 हंडियाँ बनानी थी अपने लिए शलजम गोश्त और बच्चों के लिए कोरमा, तो मैं तो वही मरमर के हंडिया बना रही थी, फिर भूख भी बड़ी लग रही थी, बाजार चली गई, मैं 2 समोसे उठा ले, एक बेटी के लिए एक अपने लिए, और बस यहाँ चना चाट बना के समोसा चाट बना के खा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब रमज़ान भी आ रहा है तो इन चीज़ों की याद भी बड़ी आती है, तो बस अब घर में ही चीज़ें बनेंगी, बाजार से कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ घर में बनेगा। बच्चों ने एक लिस्ट तैयार करके दे दी है कि बस आपने ये सारी चीज़ें अलम बलम बला बतख सब लेकर आना है। मैंने कहा ये क्या लेकर आना है, तुम लोगों ने लसानिया भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, चीज़ भी लिख दिया, हर चीज़ लिख दी है, क्या चाइनीज़ से बस तुम लोग बनवा बनवा के मुझसे रोज़े खोलोगे, इफ्तारी करोगे? कहती नहीं, आपको नहीं पता पकौड़े जब बनते हैं ना उसमें कितना ऑयल होता है। मैंने कहा मैं तो ज़रूर बनाऊंगी, अगर मेरी तबीयत सही हुई तो मैं तो देसी चीज़ों से ना रोज़ा जो है ना इफ्तार करा करूँगी देसी चीज़ों से। तो क्या हंसने लगे, खैर ये मैंने ना मिर्च मसाला कुछ ऐसा बना के रखा है, मैं आपसे इसकी वीडियो जो है ना ज़रूर शेयर करूँगी, इसमें तो थोड़ा पानी डाला हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है ना ये ज़ीरा लेने गई थी यार, ये इतना महंगा हमारे एरिया में है, चुप कर जाए, मैं यहाँ पे इसका रेट नहीं बता सकती, अगर बता दिया तो मुझे लगता है जिधर से मैं लेकर आई थी ना उस बंदे ने भी इसे महंगा कर देना है। एक तो पठान था, बहुत साफ़ सुथरा ज़ीरा दिया था, दूसरा मैं तो छान के डालती हूँ और मैं कभी भी ऐसे डिबिया में नहीं रखती, और इसकी प्राइस मैं अगर आपको बताऊँ ना 200 ग्राम 400 रुपये का है, हमारे एरिया में इससे भी ज़्यादा महंगा है, या हमें बता नहीं सकती कि कितना महंगा है, यानी कि अगर मैं झूठ ना बोलूँ ना, यहाँ 2800 रुपये किलो है सफ़ेद ज़ीरा, और जिस पठान से मैं लेकर आई हूँ ना ये, तो बस कुछ ना करें, बाकी तो ऐसे ही है महंगाई सारी, तो आप भी सोच समझ के लिया करें, ऐसी जगह से जाके लिया करें जो मुनासिब भी रेट हो, चीज़ भी अच्छी हो, और हर जगह से थोड़ा सा रेट वग़ैरह जो है ना पता कर लिया करें। तो कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं, कुछ लोग जो है हक हलाल की कमाते हैं। तो यहाँ पे कोरमा मेरा रेडी हो गया था, मुझे भूख भी बड़ी लग रही थी, कल तो मेरी तबीयत सही थी ना, आज ही तबीयत ख़राब है। तो अभी बहुत सी चीज़ें लाने वाली हैं जो मैं नहीं लाई, 2 दिन से मैं बीमार थी इस वजह से भी नहीं लेकर आई थी। तो कोरमा तो बड़ा लजीज बना था, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।